नमस्कार, मैं प्रवीण वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मेथपन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी सीजीएल 2023 मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम मेंस के एग्ज़ाम तक 1500 प्लस जो टॉप क्वेश्चंस आपके एसएससी के हैं उनको यहाँ पे कवर कर लेंगे। हमारा टारगेट है कि हम 2015 से 2022 तक के प्री और मेंस के एग्ज़ाम में जो एसएससी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, जिनका लेवल बहुत अच्छा है, जो आपको फंसा सकते हैं, उनको हम मॉक की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। मॉक 3 तक का सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो सोल्यूशन करने वाले हैं वो है मॉक 4 का। ये जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप 390 नंबर में कितना भी स्कोर कर लो, अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई नहीं किया तो आप जो मतलब एग्ज़ाम है, जो फाइनल सिलेक्शन है, वो आप नहीं ले पाएंगे। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पेसेज हों और जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा हो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी जैसा है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एसएससी का टाइपिंग देने जाओगे, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ होगी, यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे कंटेंट होगा, इस तरीके से आपको टाइप करना होगा और कंटेंट कम से कम आपको 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो जो भी फैसिलिटी वहाँ पर आपको मिलती है वो सारे फीचर्स हमने यहाँ पर आपको दिए हैं। उसके अलावा जो फॉन्ट हमने यूज़ किया है वो उतना ही है जितना आपको एसएससी में मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर हमने 250 जो एक्चुअल सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं। आपको इरिलेवेंट कंटेंट को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही इतना है। सिर्फ आप इसी कंटेंट को प्रैक्टिस करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो इन्हीं पैसेज को अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो, कम से कम 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ईजिली आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आओगे। तो एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं लास्ट टाइम पे इनका आप रिविज़न भी कर पाओगे, और स्पेशली यही जो क्वेश्चन है ये आपको करने चाहिए। बाकी क्वेश्चन में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और ये क्लास सीजीएल 2023 मेंस वालों के अलावा जो बच्चे सीएचएसएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अलावा आप अगर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दिया हुआ है कि सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बहिष्कोण के बहिष्कोण का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, यानी कि जो आंतरिक कोण है और आपका जो बाह कोण है उसका जो अनुपात है वो 3:1 है। हमेशा आप याद रखो, बहुभुज क्या है, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, इसी तरीके से चतुर्भुज भी एक क्या है, बहुभुज है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 होती है, पंचभुज भी एक बहुभुज है। अब यहाँ पे समझो आप, ये इसका आंतरिक कोण है, ये इसका बाह कोण है। किसी भी आप किसी भी बहुभुज में ले लो, अगर चतुर्भुज में लो तब भी ये आपका आंतरिक कोण है, ये आपका बाह कोण है। हमेशा याद रखो कि आंतरिक कोण और बाह कोणों का योगफल हमेशा, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 3 और 1 4 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 180 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 45 डिग्री के बराबर आ गई। तो अब यहाँ पे भुजाओं की संख्या आपसे पूछी है, तो हमेशा याद रखो कि बहुभुज के अंतःकोणों का जो योगफल होता है, अंतःकोणों का जो योगफल होता है, अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, n-2 × 180 डिग्री। और अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो n से डिवाइड कर दोगे। और बाह कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर प्रत्येक बाह कोण निकालना है, मतलब भुजाएं अगर निकालनी है या प्रत्येक बाह कोण निकालना है, तो n से आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमेशा अगर बाह कोण दिया है तो भुजाओं की संख्या बाह कोण से ईजिली निकल आती है। जैसे प्रत्येक बाह कोण कितना है, 45। और बाह कोण हम लोग कैसे निकालते हैं, 360/n से निकालते हैं। यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, 360/45। तो 9 × 4 = 36 और 9 × 5 = 45, 5 × 8 = 40। यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप आंतरिक कोण से भी निकाल सकते हो, इसका आंतरिक कोण कितना आएगा, 45 × 3 = 135। तो इस वाले फार्मूले में रख दो तो आपका निकल आएगा। जब भी आपको आंतरिक कोण और बाह कोण दिया हो तो भुजाएँ अगर निकालनी हो तो आप बाह वाले से निकालो, वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहता है। ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि अंता बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री, और प्रत्येक अंतःकोण अगर निकालना है तो अपॉन n आ जाएगा,
और बहुभुज के बाह गुणों का योगफल 360 होता है। प्रत्येक बाह कोण निकालना है तो 360 बटे एन कर देंगे, और बहुभुज के अंताकोण और बाह गुणों का जो योगफल होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है यदि x बराबर 332, y बराबर 333, z बराबर 335 है तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू आपको बतानी। एक फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। दो फार्मूले हैं, मतलब एक ही फार्मूले के दो फार्मूले हैं और ये हमेशा यूज़ होते हैं। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आपका a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल हाफ स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल हाफ स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और इसी में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रख दोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि इसके बराबर कितना होता है 3abc। इन सभी का यूज़ होता है। अब इस वाले फार्मूले का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है वहाँ पे इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो सेकेंड वाला है, क्या होगा आपका 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि कितना हो जाएगा 332 प्लस 333, 333 प्लस 335, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर यानी कि इसका डिफरेंस कितना होगा, एक, यानी कि एक का स्क्वायर। इसका डिफरेंस कितना होगा, दो का स्क्वायर। और इसका डिफरेंस कितना है, तीन का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना होगा, जोड़ लो भाई, 5 3 8 2 10 और हासिल लगाए 1 3 3 6 3 9 और 1 10, 3 3 6 और 3 कितना हुआ आपका 9 9 और 1 10, यानी कि 1000 आया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 1 14, तो काट देंगे भाई 7 आएगा, यानी कि कितना जाएगा आपका 7000, क्लियर। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। और ये जो फार्मूला है ये आपको नोट डाउन कर लेना, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, इस पे भी आते हैं और इस पे भी आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हमेशा याद रखो पूरे टाइम एंड वर्क में वर्क कॉन्स्टेंट होता है और वर्क कॉन्स्टेंट होने की वजह से टाइम और कैपेसिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि जब कभी काम पूरा होने वाला हो, आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज़ को देखो कि अगर मान लेते हैं कि आपका काम खत्म होने वाला है फिर कोई छोड़ के जाए तो उसे मना लेंगे, यानी कि उससे काम करवा लेंगे, लेकिन शुरुआत में अगर कोई धोखा दे दे आपको तो उसे काम से निकाल देंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब काम समाप्त होने वाला हो और तब कोई छोड़ के जाए तो उससे क्या करेंगे, काम करवा लेंगे, लेकिन अगर शुरुआत में कोई धोखा दे जाएगा तो उसे काम से बेदखल कर देंगे। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ करना है। जैसे क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में, और सी जो है वो 40 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 120, यानी कि एक दिन में 5 लड्डू बनाता है, ये 4 लड्डू बनाता है, ये 3 बनाता है। अब देखो सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ा तो हम क्या करेंगे, इससे काम करवा लेंगे। तो 4 दिन में सी और कितना काम कर देगी, 4 3 12। तो अब अगर हमने सी से काम करवा दिया, सी को छोड़ने नहीं दिया, इसका मतलब ये सारा का सारा काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं, और ये तीनों मिलके एक दिन में लड्डू कितने बनाते हैं, 5 4 9 3 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे ये 10 आएगा और ये 1 आएगा, यानी कि टोटल कितने दिन लगेंगे, 11 दिन लगेंगे, क्लियर। आप इसे जोड़ भी सकते हो, मैंने ऐसे ही काट दिया। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपको समझने वाली चीज़ें हैं और आप गलत कर सकते हो, इन दो ऑप्शंस के बीच में आपसे गलती हो सकती है अगर आपने जल्दबाजी की, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है। एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप जो है उसे 22 घंटे में खाली कर सकता है, वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं यदि y इज ग्रेटर देन x, यानी कि ए मतलब एक पाइप है वो इसे x घंटे में भर सकता है, यानी कि भरने वाला है, पॉजिटिव ले लिया हमने, और दूसरा खाली करने वाला है वो इसे 22 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x, अगर y बड़ा होगा x से तभी, देखो खाली करने वाले को टाइम ज़्यादा लग रहा है और भरने वाले को टाइम कम लग रहा है, इसी वजह से जो टैंक है वो भरेगा।
अगर ये भरने वाले को टाइम कम लगता, खाली करने वाला जल्दी खाली कर देता तो टैंक खाली होता, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर टोटल वर्क कितना ले लिया, एक्स वाई, तो इसका मतलब है ये एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा, वाई, और ये कितने निकालेगा, एक्स, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि एक दिन में इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, यानी कि कितना पानी भर रहा है, वाई माइनस एक्स, तो टोटल भरने में कितना टाइम लगेगा, एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, बाकी इसमें कोई बात नहीं थी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज़ को डायरेक्ट याद रखो कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर होती है, यानी कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा। कैसे, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम उधर लेके जाएं तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर की थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, और कॉस की पावर फोर थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इतना ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर होती है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 2x माइनस के एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 12y प्लस 15 बराबर 0 का किसके लिए कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, यदि a1 वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं हो c1 वन बटे सी टू के, ठीक है। तो आपको k का रिलेशन निकालना है, यानी कि इनसे निकल आएगा आपका रिलेशन। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 2, और a2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 6, और उसके अलावा b1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का k, और b2 की वैल्यू माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि k की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, प्लस का 4, यानी कि b वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना लग पाए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आएगा, समझो इस चीज़ को। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एक रेखा A से गुजरते हुए भुजा BC को D पर इस प्रकार से काटती है कि BD और DC का जो अनुपात है वो 4:5 है। यदि त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल जो है वो 60 है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ बच्चे यहाँ पे समरूप त्रिभुज समझेंगे और वो देखेंगे कि 4:5 का अनुपात है, तो क्षेत्रफल में 16:25 का अनुपात होगा, और जब इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, जैसे ये दिया हुआ है, पहले फिगर बना लो तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको। ये दिया हुआ है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, ठीक है। इसमें A से गुजरते हुए D पर इस प्रकार से काटती है कि BD और DC का जो अनुपात है वो 4:5 है। अब देखो यहाँ पे बेस अलग अलग है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो सेम है। अब ये दोनों जो ट्रायंगल है वो समरूप नहीं होंगे, ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि समरूप होने के लिए कंडीशन होती है, वो कोई भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। अब कुछ बच्चों को डायरेक्ट देख के लगता है कि 4:5 का अनुपात है, तो डायरेक्ट ये 16:25 का अनुपात हो जाएगा, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे समरूप नहीं है, अगर समरूप नहीं है और इनका बेस अलग अलग है, लेकिन इनका जो परपेंडिकुलर है वो सेम है, यानी कि आपको पता है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर बराबर है और हाइट अगर समान है, इसका मतलब है जो एरिया होगा वो इसी अनुपात में बढ़ जाएगा, 4:5 के अनुपात में बढ़ जाएगा, क्लियर। अब इसका एरिया जो ABD का जो एरिया है वो 4:60 की वैल्यू 60 दी है, 1:60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, तो 5:60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15×5=75, क्लियर। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर बेस अलग अलग है लेकिन हाइट उनकी सेम है, तो जो एरिया होगा वो बेस के रेशियो में बढ़ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ये आया हुआ है SSC के एग्जाम में और आ भी सकता है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्थांश वृत्त में एक अंतः वर्ग इस प्रकार से है कि उसके संलग्न दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर दो त्रिज्याओं पर हैं, जबकि दो अन्य शीर्ष वर्तुल्य वृत्तांश पर हैं। यदि वर्ग की भुजाओं की लंबाई x है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो इस तरीके से चतुर्थांश है, ठीक है, तो चतुर्थांश पहले बना लेते हैं, ये चतुर्थांश, फिगर थोड़ा सा अगर बेकार बने तो उसके लिए भाई माफ़ कर देना, ठीक है। ये चतुर्थांश है, इसमें क्या है, इसकी त्रिज्याओं से बराबर दूरी पर इस तरीके से एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से ये वर्ग बना है, ठीक है। अब अगर ये पूरी रेडियस r है, ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी होगी, r/2, तभी ये जो है वर्ग बन पाएगा, अदरवाइज ये वर्ग नहीं बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दिया है कि जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है, x, आपको पता है कि ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये r/2 है, ये r/2 है, ये x है, तो हम कह सकते हैं कि r² / 4 + r² / 4
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि 2r स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू x स्क्वायर होगी, तो काट देंगे इसे तो r स्क्वायर बराबर क्या होगा 2x स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट 2 और x होगी, यानी कि c वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि 3:1, कल भी मैंने इस कॉन्सेप्ट पे आपको एक क्वेश्चन कराया था, 3:2:1 की क्षमता वाले 3 बर्तन जल मिश्रित दूध से भरे पूरे भरे हुए हैं। बर्तनों में रखे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1, 4:1 है। पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे का 1/2, तीसरे का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण नए बर्तन में तैयार किया जाता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, इनको किस अनुपात में मिलाना है वो चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। इनको किस अनुपात में मिलाना है? 3:2:1 के रेशियो में मिलाना है। तो कब मिलाओगे? पहले इन्हें किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? पहले 1:1 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा, तभी आप किसी भी रेशियो में मिला पाओगे। ठीक है, तो 3 बर्तन है ए बी, ये बनाने के लिए मैं मतलब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मिल्क और बटर का अनुपात 5:2 है, यहाँ पे कितना है 4:1 है, और यहाँ पे पहला वाला मिल्क और दूसरा वाला बटर है, यहाँ पे कितना है 4:1 है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 7:5, यहाँ पे कितनी है 5:5, और यहाँ पे कितनी है 5:5। अब पहले इसे अगर 3:2:1 के रेशियो मिलाना है तो पहले 1:1 के रेशियो मिलाना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 35, यानी कि इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा, और इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा। अभी इसे गुणा नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसे किस रेशियो में मिला दिया, 1:1 के रेशियो में, लेकिन मिलाना किस रेशियो में, 3:2:1, तो 3 से इसे गुणा कर देंगे, 2 से इसे गुणा कर देंगे, और 1 से इसे गुणा कर देंगे। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि इसका जो है, ध्यान से समझना, इसका 1/3, इसका 1/2, और इसका 1/7। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 1/3 करेंगे तो इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/7 करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब क्या कह रहा है, जो मिक्सचर बनेगा उसमें पानी का प्रतिशत क्या होगा? पहले देख लो टोटल मिक्सचर कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, ये कितना है 5:2:7, और 7×5=35, यानी कि 35 लीटर मिक्सचर है या 35 रेशियो है। यहाँ पे कितना है 4:1:5, 4:1:5, 5×7 कितना हुआ आपका 35, 7 से मल्टीप्लाई सिर्फ करना बचा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 5, यानी कि टोटल मिक्सचर आपका कितना है 35+35+5, यानी कि 75। अब इसमें पानी देख लो कितना है, पानी वाला ये पोर्शन है आपका। ठीक है, ये पोर्शन है, यानी कि इसे 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5×2=10, और यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे +7, और यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे तो 1, यानी कि 10, 7, 17 और 1, 18। तो 18 जो है वो 75 का कितना है, बस आपको यही निकालना है। 25×100, 25×75, 3×18, यानी कि इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 24%। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा आप रिकैप करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को लगाने, क्योंकि कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं, जो चीज़ आपको निकालनी है बस उससे मतलब है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे प्री और मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम फालतू क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके काम के हैं, जिसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और इन्हीं क्वेश्चन पर आपको काम भी करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 आदमियों ए बी सी का औसत जो वजन है वो 84 किलोग्राम है, एक और आदमी डी इस ग्रुप में शामिल हो जाता है, और अब औसत वजन जो है वो 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक और आदमी ई इसका वजन, जिसका वजन जो है वो डी से 3 किलोग्राम अधिक है, ए के स्थान पर आ जाता है, तो बी सी डी और ई का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है, तो ए का वजन क्या होगा? देखो, 3 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है आपका 84, जब डी आ जाता है तो 4 लोगों का एवरेज कितना हो जाता है आपका 80 हो जाता है, यानी कि कितने की कमी आई 4 की, यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई 1 की, तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, यानी कि जो ये बंदा आया है, मतलब डी जो आया है, इसका वजन कितना होगा 80 और -12, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 68 किलोग्राम, यानी कि डी का जो वजन है वो 68 किलोग्राम हो गया। ई जो है वो इससे 3 किलोग्राम ज़्यादा है, यानी कि ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। अब ये ए के स्थान पर आया है, यहाँ पे देखो 4 लोग, यानी कि ए बी सी डी, इनका जो वजन है वो 80 है, ए के स्थान पर ई आता है तो ई बी सी डी का जो वजन है वो कितना हो जाता है आपका 79। तो आप देखो एवरेज में कितने की कमी हो रही, 1 की, और लोग कितने, 4, यानी कि ए और ई का जो डिफरेंस है, अब ए बड़ा होगा क्योंकि इसके साथ 80 आता है, यानी कि ए और
ई के जो मतलब वैल्यू है उसमें डिफरेंस कितने का होगा, 4 का होगा। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू है 71, तो 71 उधर भेज देंगे तो 4 + 71 यानी कि 75। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक नहर के दोनों तट सीधे और समांतर हैं, ए बी सी तीन व्यक्ति हैं जिसमें ए एक तट पर खड़ा हुआ है और बी सी जो है बी और सी सामने के तट पर खड़े हुए हैं। बी को लगता है कि कोण ए बी सी 30 डिग्री का है जबकि सी को लगता है कि कोण ए सी बी जो है वो 60 डिग्री का है। यदि बी और सी 100 मीटर की दूरी पर हैं तो नहर की चौड़ाई क्या होगी। देखो इस तरीके से नहर है, इस तरीके से नहर बह रही होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे ए खड़ा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे एक जगह पे बी है और एक जगह पे सी है। ये यहाँ से देखता है, थोड़ा सा मतलब फिगर आपका नहीं बन पाया लेकिन इस चीज़ को समझ जाओ। ए को लगता है जब ये देखता है तो इसका एंगल कितना बनता है, ए बी सी जो एंगल है यानी कि ए बी सी ये वाला एंगल 30 डिग्री का है और यहाँ से ये देखता है तो ए सी बी कितना है 60 डिग्री यानी कि ये 90 डिग्री हुआ। आपको इसकी चौड़ाई निकालनी है, मतलब नहर की चौड़ाई क्या होगी, इस पर जो परपेंडिकुलर डालोगे वो होगी इसकी चौड़ाई, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है मान लेते हैं ये डी है तो इसको आपको निकालना है। अब बी सी यानी कि ये वाले जो डिस्टेंस है वो 100 दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर आपको बी सी निकालना है तो किसी भी कंडीशन में या तो आप मतलब ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, चाहे आप ये वाली साइड निकाल लो और चाहे ये वाली साइड निकाल लो, फिर यहाँ पे ये तो 90 डिग्री एंगल है फिर आपका निकल आएगा आराम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें मतलब पहले आप इस परपेंडिकुलर को मत देखो, इसको देखो, यहाँ पे इसके सामने का एंगल जो है वो 90 डिग्री है और हम इस वाली भुजा को निकाल, तो साइन रूल लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन 90 बटे इसके सामने की भुजा क्या है 100 और साइन 30 और इसके सामने की भुजा मान लेते हैं ये बी है बटे बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/100 और ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 और इंटू बी, तो काटेंगे तो बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी 50, यानी कि ये वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 50। अब आप ध्यान से देखो कि ये वाला एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है, आपको पता है कि जो साइन कॉस ये सब क्या है, समकोण त्रिभुज के अनुपात है, अगर 60 है तो साइन 60 की जो वैल्यू है अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, कर्ण आपको पता है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, यानी कि √3/2 का मतलब क्या हुआ, अगर ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2, तो 2 की वैल्यू आपकी 50 यानी कि 1 की वैल्यू 25, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 25√3, क्लियर। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप मैंने जैसे यहाँ पे इसको निकाला, आप इसको भी निकाल के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका जो एरिया है मतलब जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है, तो ये त्रिज्यखंड है, यहाँ पे एंगल क्या है आपका 45 डिग्री। आपको पता है कि त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 होता है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो 45/8 आपका होता है 360, यानी कि हम कह सकते हैं इसका एरिया जो होगा वो पाई आर वन स्क्वायर बटे 8, यानी कि बड़ी वाली त्रिज्या मान लेते हैं ये कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर अपान 8 और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटे 8, क्योंकि इसका पूरे का एरिया निकाल लो और फिर इसके एरिया में से अगर इसको घटा देंगे तो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, तो पाई बाई 8 अगर हम कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4^2 = 16 - 9, यानी कि कितना जाएगा ये आपका कितना आएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 11 और 4/2 यानी कि 11/4 आएगा आपका, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पता होगा कि अगर ये छेदक रेखा और ये स्पर्श रेखा है तो फार्मूला क्या होता है आपका, PT² = होता है आपका PA × PB, क्लियर। तो मौखिक कर सकते हैं 25 ये हो जाएगा आपका और PA कितना है 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 16, ये कितना हो जाएगा आपका PA² यानी कि 16 और ये आपका कितना हो जाएगा PB कितना होगा आपका 4+x, नहीं ये गलत हो गया, आपका PA कितना होगा 4 होगा, ये 4 होगा और ये 4+x होगा, सॉल्व कर लो इसे, 25 + 4 = 16 + 4x, इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा आपका 9 और बराबर 4x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9/4
4, यानी कि x की वैल्यू कितनी जाएगी 9/4, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सिंपल है। देखो sec sec और cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 अपान x बराबर 2, तो आपसे पूछ रहा है कितनी भी पावर हो, और ये किस पे सेटिस्फाई होता है, x बराबर 1 पे सेटिस्फाई होता है। तो जब 1 रख दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 ही आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो कि यदि x प्लस 1 अपान, देखो दो कंडीशन होती है, एक x प्लस 1 अपान x बराबर 2 और दूसरी x प्लस 1 अपान x बराबर माइनस 2, ये किस पे सेटिस्फाई होता है, 1 पे सेटिस्फाई होता है, और ये माइनस 1 पे सेटिस्फाई होता है। तो पावर यहाँ पे जहाँ जितनी हो कितना आएगा, 2 आएगा अगर 2 टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सम और विषम वाला फैक्टर काम करेगा कि पावर अगर सम होंगी तो उसके हिसाब से, क्योंकि x बराबर माइनस 1 पे सेटिस्फाई होता है तो माइनस 1 रख दोगे और उसके हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि जमीन और खंभे के पास से होकर सरल रेखा पर पड़े दो बिंदुओं से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। यदि खंभे के पास से दोनों बिंदुओं की दूरी 12 मीटर और 27 मीटर है और दोनों बिंदु खंभे की समान भुजा की ओर पड़ते हैं तो खंभे की लंबाई क्या होगी। ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जैसे कि ये खंभा है, यहाँ से दो बिंदु हैं, एक बिंदु जो है इसकी दूरी कितनी है 12, और दूसरा जो बिंदु है इसकी दूरी कितनी है 27, ठीक है। और जो एंगल बनाते हैं वो कितने हैं, पूरक हैं, यानी कि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि अगर ये डिस्टेंस ए है और पूरी डिस्टेंस बी है और ऊंचाई एच है और ये एंगल पूरक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है ए बी, यानी कि एच इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लो, कितना हो जाएगा 27 अंडर रूट 27 इंटू 12, तो यहाँ पे 9 तियाँ 27 होता है इंटू 12, तो 12 तियाँ 36, इसका बाहर निकल के आया 6 और 9 का 3, यानी कि 6 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी 18, क्लियर। बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे भी सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो भाई कितना होगा। देखो अगर हम पावर को हटाएं, जैसे कि अगर यहाँ पे रूट लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम पावर हटाएं तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे n है तो पावर कितनी हो जाएगी 1/n, और इसका स्क्वायर है यानी कि ये 2 भी इसके साथ गुणा में रहेगा, और फिर n बाय 2 है और इन टू आपका 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका n से n कैंसिल हो गया, कितना बचा एक्स स्क्वायर, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के कोण BAC का द्विभाजक BC को D पर काटता है और त्रिभुज के परिवृत्त को E पर काटता है। यदि DE जो है वो 3 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, AD 5 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई क्या होगी। देखो फिगर जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका परिवृत्त बना लेते हैं। देखो फिगर थोड़ा अच्छा ना बन पाए तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये ए बी और सी, ठीक है, कोण बी ए सी का द्विभाजक, यानी किसका द्विभाजक, इस तरीके से इसको डी पर काटता है और परिवृत्त को किस पर मिलता है, ई पर मिलता है। दिया हुआ है कि डी पर काटता है और त्रिभुज के परिवृत्त को ई पर काटता है, ठीक है। डी ई जो है यानी कि ये वाली डिस्टेंस 3 है, और आपकी ए सी जो है यानी कि ये वाली डिस्टेंस 4 है, और ए डी जो है यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो 5 है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 5 है। ए बी की लंबाई आपको निकालनी है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखो कि कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको, इसको अगर हम इससे मिला दें तो ये एक जीवा है, और जीवा द्वारा जो कोण बनाए जाते हैं परिधि पर वो बराबर होते हैं एक ही जीवा द्वारा, तो ये भी एक जीवा द्वारा बनाया गया कोण है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है वो आपका बराबर होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। ये मतलब समद्विभाजित करता है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो ए बी डी ये वाला त्रिभुज और आपका ए ई सी ये जो त्रिभुज है वो समरूप होंगे। अब कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे बस देख लो आप, ए बी और डी जो है वो किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप होगा। देखो ए जो है वो ए के बराबर है तो ए के साथ ए लिख दो। अब बी वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, ई के, यानी कि ई इसके सामने क्या आएगा, ई आएगा, और फिर क्या आएगा आपका सी, यानी कि इसके समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी भुजा अनुपातिक होंगी, यानी कि ए बी और ए ई का अनुपात वही होगा जो ए डी और ए सी का होगा, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से ए बी आपको निकालना है, ए ई ये देखो 5, ये 3 है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी आपकी 8, और ए डी कितना है आपका 4, और ए सी जो है वो कितना है आपका, ए डी जो है वो कितना है आपका 5 है, ए डी 5 है और ए सी जो है वो कितना है 4, तो 4 दूनी 8 यानी कि 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी कि ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10 होगी, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका
बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। सिंपली इसमें क्या करो आप, x बराबर -1 रख दो, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आपने एक बार नहीं किए होंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। देखो अगर -1 रखोगे तो यहाँ पे +1 और ये -4 +3, तो ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 0 आ रहा है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ऊपर क्या होगा आपका -1, नीचे पॉजिटिव है यानी कि +1, और ये आपका -27 आएगा और +27, इससे ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर क्या होगा आपका -1, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इसको नहीं किया होगा तो नहीं कर पाएंगे आप सॉल्व। क्या दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक डायरी बना लो या एक नोट्स बना लो, उसमें ये सभी जो क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे तरीके से करना, और यही क्वेश्चन करने लायक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 है, ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल हाफ स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल हाफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो पहले ये समझो कि आपको इन दो टर्म की वैल्यू दी है, यानी कि इन्हीं दो टर्म का यूज़ करके आपको वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, इसे हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही बी प्लस सी का होल हाफ स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस आपका 2bc। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो यहाँ पे आप देखो ए स्क्वायर प्लस, इसे हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने के, मतलब समझाने के लिए, बाकी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ मैंने ले लिया 2ab 2bc और 2ca, तो हमारे पास और क्या बच गया, देखो बी स्क्वायर दो दो बार है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया। तो ये क्या हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल हाफ स्क्वायर, और इसे अगर a प्लस बी प्लस सी का होल हाफ स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का अगर इसे हमें होल हाफ स्क्वायर बनाना है तो प्लस का 2ab 2bc 2ca जोड़ना पड़ेगा और उतना ही घटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 2ab प्लस bc प्लस ca ये हमने घटा दिया। क्लियर हो गए। अब देखो हमने इसको इसी टर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसकी हमें वैल्यू पता है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 4 4 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक चक्री चतुर्भुज जिसमें कोण ए प्लस कोण सी बराबर है कोण बी प्लस कोण डी, तो मतलब ये किसके बराबर होगा। हमेशा याद रखो कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और सी का सम भी 180 होगा और बी और डी का जो सम होगा वो भी 180 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है दी गई आकृति में कोण ओ एन बाई 50 है, ओ एम बाई जो है 15 है, तो एम ओ एन यानी कि एम ओ एन ये वाला जो एंगल है वो आपको निकालना है। हमने मान लिया x है, तो अब ध्यान से देखो कि ये एंगल 15 है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 15 होगा, यानी कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है वो 15 15 30 हो गया, यानी कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये कितना होगा 150। अब इसमें देखो ध्यान से, ये 50 है तो ये भी 50 होगा आपका, तो ये वाला जो एंगल होगा 50 हो, यानी कि ये 80 होगा, तो ये वाला जो है वो बचा कितना आपका, ये कितना आया था आपका 150, 150 में से 80 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 70 डिग्री, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो 50 के 15 कितना हुआ 30, यानी कि 150 हो गया आपका, और इसका ये 50 ये 50 100, तो ये 80 हो गया, 80 जब 150 में जाएगा तो कितना बचेगा 70, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसे अगर हम ब्रेक करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर कितना आएगा -1। जब इसको हम इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ही बचेगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो -1 ही होगा। तो हमेशा याद रखो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो जो इसकी वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे आपको बेसिक से करना है तो क्या करो, इस वाले टर्म को इस टर्म से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वो इतना बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी -1। तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद रखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, यदि एक त्रिभुज ABC की AB BC और CA भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और MBC का मध्य, M जो है वो BC का मध्य बिंदु है, MN जो है वो पैरेलल है AB के, N पर AC को काटता है, तो समलंब AB MN का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले फिगर बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से देखो, समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि 10 8 और 6 ट्रिपलेट होता है। अब 10 क्या है, AB है, यानी कि AB को कर्ण बनाना पड़ेगा,
तो ए बी कर्ण आपका कैसे बनेगा, अगर हम इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, तो ये 10 हो गया आपका, ए बी 10 है, बी सी कितना है आपका 8 है, यानी कि ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि एम जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, एम जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, एम जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है, और एम एन जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, एन जो है एन को मतलब इसको ए सी पे काटता है, यानी कि ये दोनों मध्य बिंदु होंगे और इसको हमने इससे मिला दिया और ये इसके पैरेलल होगा, तो अगर ये इसके पैरेलल है और ये मध्य बिंदुओं से भुजा बनी है, यानी कि ये भुजा 5 होगी। ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर ये मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु यानी कि ये 4 होगी और ये इसका मध्य बिंदु यानी कि 3 होगी, तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कि ये 5 होगी। तो आपको क्या बताना है, ये जो समलंब चतुर्भुज बना है इसका एरिया, तो ये कैसे निकलेगा, पूरे का एरिया निकालो, कैसे निकलेगा आपका, ये 1/2 बेस इंटू 8 यानी कि 6 इंटू 8, और उसमें से इस वाले त्रिभुज का एरिया आप निकाल दो, तो इसकी भुजा 3, इसकी भुजा 4 है, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और ये आपका बेस 4 है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू 8 यानी कि 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ आपका 3×8=24, और इसमें से क्या घटा देंगे आपका 3×2=6 यानी कि कितना जाएगा आपका 18, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बाकी अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको अपने तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ कि टाइपिंग कम से कम 1 घंटा अभी से आप करना स्टार्ट कर दो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि सभी पोस्ट में टाइपिंग मैंडेटरी है, और आपको इधर उधर का कंटेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कंटेंट ही इतना है, सिर्फ उसी को आप प्रैक्टिस करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। तो यहाँ पे हमने जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाया है, ये बिल्कुल इसका इंटरफेस SSC जैसा है। ये जो सॉफ्टवेयर, इसकी खास बात क्या है कि आपको एक्चुअल स्पीड बताएगा, ढेर सारे जो सॉफ्टवेयर मार्केट में है वो आपको एक्चुअल स्पीड नहीं बताते। उसके अलावा हमने यहाँ पे 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराएं, तो इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा शेयर करना है। कल फिर मिलते हैं कुछ और बेहतरीन सवाल के साथ, और अगर आपने इससे पहले वाले मॉक्स का सलूशन नहीं देखा है तो उनको जाके देखिए, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।